ओपोजिशन पार्टी ने पिछले कई दिनों से मणिपुर का बहाना करते हुए उन्होंने पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया। कल जब प्रधानमंत्री जी ने पूरे नॉर्थ ईस्ट मणिपुर के बारे में हम लोग ने इसको कंडेम किया है और हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी एक लेटर लिखने वाले हैं कि प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट के बारे में मणिपुर के बारे में विस्तार से कल बात बताई। और फिर मणिपुर पे बोलते हुए श्रीमान राहुल गांधी ने कहा कि 24 घंटे के अंदर में इंडियन आर्मी जबरदस्ती मणिपुर में शांति इस्टाब्लिश करना चाहिए, ये कहा। अब वहाँ मेते और कुकी समुदाय के बीच में जो संघर्ष चल रहे हैं उसका सारा इतिहास तो सबको मालूम है, कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे समस्याएं शुरू हुई। लेकिन जो राहुल गांधी का कहना है कि आर्मी लगा के 24 आवर्स के अंदर में कुकी और मेते का क्लैश को बिल्कुल फोर्सफुली मिलिटरली ख़त्म करना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि आप बाय फोर्स आर्मी के माध्यम से सॉल्यूशन करना है। हम लोग ये मानते हैं कि सॉल्यूशन बातचीत करके करना चाहिए। अभी तक भारत सरकार ने कोई मिलिट्री यूज़ नहीं किया है क्योंकि वो अपने लोग हैं। इसलिए 1966 में जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थे तो एयरफोर्स यूज करके बॉम्बार्डमेंट करके बम मार के मिजोरम में अपने देश के नागरिकों को मारा, तो उसका आप तुलना करके देखिए उनका मानसिकता कि एक तरफ राहुल गांधी उस समय एयरफोर्स यूज करके मिजोरम में अपने देश में एयरफोर्स के माध्यम से बॉम्बार्डमेंट किए और आज फिर कहते हैं कि 24 घंटे में आर्मी यूज करके मणिपुर में जबरदस्ती शांति कायम करना चाहिए। मैं उसको कंडेम करता हूं और हम मानते हैं कि बातचीत करके दोनों गुटों के साथ में अच्छी तरह से समझौता करके ही हम शांति लाना चाहिए। मिलिट्री यूज करके जबरदस्ती शांति लाना वो ठीक नहीं है क्योंकि इसी के कारण कांग्रेस का 60 वर्ष तक जो मिसरूल किया है इसी के वजह से सारा मिलिटेंसी का जन्म हुआ। आप मालूम है मणिपुर के अंदर में सबसे ज्यादा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस कैसे पैदा हुआ, क्योंकि उस समय कांग्रेस बात नहीं करते थे, कांग्रेस सरकार उनको बुलाते नहीं थे, सुनते नहीं थे, जिसके वजह से इतना मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन पैदा हुआ। 2014 के बाद एक भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन पैदा नहीं हुआ, ना मणिपुर में ना नॉर्थ ईस्ट में, बल्कि 8000 से ज्यादा मिलिटेंट और ऑर्गेनाइजेशन और उनके जो काडर से आर्म्स के साथ में सरेंडर किए हैं। तो आप इसको तुलना करके देखिए। इसलिए मैं बहुत स्ट्रांगली कंडेम करता हूं राहुल गांधी ने 24 घंटे के अंदर आर्मी यूज करके मणिपुर में शांति लाना चाहिए, इस बात का मैं खंडन करता हूं। और प्रधानमंत्री जी ने जो याद दिलाया 1966 में एयरफोर्स इस्तेमाल करके जो बम मारा था वही आज कांग्रेस का मानसिकता फिर से दर्शाया है राहुल गांधी ने। Nagaland TV, Sob Manulaga Awas. Watch us live on Jio TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube and Twitter.